है ना, अंगों में अंगों से करना है। वाची कहते हो उसे जो बोलोगे आहारी है जो तुम पहनोगे कपड़े या सैनिटाइजर करोगे, और चौथे को बोलते हैं साथ ही साथ, इन सब का मिश्रण है, इनका मिला के वो बनता है, गलत है। आंगिक इज बॉडी एंड स्पेस, यहां मैं जब ये हिलाता हूं यू हिलाता हूं एकदम मीनिंग बदल जाता है। डांसर्स को जब आप देखते हैं ना वो क्या करते हैं, एक स्पेस में अपनी बॉडी को यूज करते हैं, ही करते हैं ना, तो उसे नटराज का करते हैं, आंखें सब कुछ वो करते हैं नटराज के, लेकिन डिजाइन किसमें बनता है, स्पेस में, जहाँ हवा में है, इसमें हवा में वो करता है, दैट स्पेस गेट्स चार्ज एंड यू लुक एट इट, क्या कर रहा है। वाचक वो है साउंड, ध्वनि, वाचक डायलॉग ही नहीं है, डायलॉग छोटा सा चीज उसमें। वाचक मीन्स साइलेंस ऑल्सो, साइलेंस का बड़ा महत्व होता है, तो उसमें साउंड इंस्ट्रूमेंट्स की दुनिया, ढोल की दुनिया, ऑल मैम जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेटल में होते हैं, स्ट्रिंग्स में होते हैं, ये आपके मेम्ब्रेन में इसमें होते हैं, या विंड, ये पांच इंस्ट्रूमेंट का आप देखें इंडिया में गजब है, कोई भी लोग पद्धति ले लो, ये पांच फैमिली के इंस्ट्रूमेंट जरूर होंगे, जो भी अभी यात्रा निकालते हैं ना देखो, और भी होता है, ये भी होता है, गाते भी, सब होता है। तो ये साउंड को समझना कि सिर्फ डायलॉग से मतलब है नहीं है, इट इज ऑल बेसिकली क्या करें आप एक उस प्ले के साउंड का यूनिवर्स बना रहे हैं, उसमें उस खेल रहे हैं स्पेस के साथ। फिर आता आहारी, आहारी इज बॉडी से भी मैं आहारी हूँ, आज आप देखो कथक कथक में देखो यूं हाथ उठाएंगे पर्दा ये काला, यूं करेंगे निकालेंगे, पेंटामाइम करेंगे, है ना, वो भी पार्ट ऑफ आहारी है, बाकी दूसरी बात कपड़े पहनो वो बनता है, और पीरियड उसमें आता है, पीरियड कॉस्ट्यूम पहनोगे या थीम जैसा है उस वक्त, कॉस्ट्यूम डिजाइनर जो प्रधान ये होता है रस कह दो या मूड कह दो प्ले का, उसके रंगों के हिसाब से कॉस्ट्यूम का रंगों का चयन होगा और कट का चयन होगा, बाजार से कहीं नीला आया पीला लाया नहीं, वो पहले कहे मेरे पास कॉस्ट्यूम एम के दिस इज द कॉस्ट्यूम, ये है कलर स्कीम, कॉल इट कलर स्कीम, देन आई टेल नहीं नहीं दिस कलर ये निकाल दो, दिस विल जार ये इसको निकाल दो। इसी जैसे मैं बताऊंगा आपको, फैक्ट्री में आप जब देखते हैं कलर मटमैला होता है ना, सारे कपड़े में नीले होते हैं, आर्मी में मटमैले रंग होते हैं, थोड़ा सा रेड वेड ज्यादा नहीं होता, लेकिन जब शादी में होते हैं सारे कलर बड़े ब्राइट होते हैं, तो यू हैव टू कौन सा सीक्वेंस कैसे करोगे, और वो सारे कलर्स और कट जो तुम देखो कॉस्ट्यूम सारे थीम के साथ है कि नहीं है, फैशन नहीं है, फैशन नहीं है, इट इज रिलेटेड टू द थीम, it is related to the main mood, it is related to the main interpretation of it, वो हो जाता है। तब आप इसका मैं उदाहरण दूंगा आपको, एक्टर को भी वो हेल्प कर, फिर एक्टर की बॉडी आप देखते, अगर आपको बनाना है विक्रमादित्य, अब मुझे ऐसा बॉडी वाला विक्रमादित्य खाक बनेगा, मैं एक्टर बहुत कर सकता हूँ, लेकिन what do I do in the body, costume designer helps, he pads it in such a way, creates this entire body, इस बॉडी को ऐसा बनाएंगे एंड यू विल वॉक लाइक, उसके पहलवान बनने की जरूरत नहीं है, लठ पेलने लगोगे वो नहीं जरूरत है, बट यू दैट हेल्प्स। नाउ व्हाट इज सात्विक, सात्विक इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, मोस्ट डिफिकल्ट एंड मोस्ट चैलेंजिंग, वो है इन तीनों का इस्तेमाल करने से, इनका प्रयोग करने से आपका एक एब्स्ट्रैक्ट होता है, वो कि उधर पब्लिक रोने लगती है, वो क्या कैसे कही हो गए, यहां तो हवा में कुछ किया नहीं मैंने, वो क्यों ताली बजाते हैं, दे रेस्पॉन्स दैट कम्स थ्रू द स्पेस हवा में, बट व्हाट इज दैट, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन, उसको आप दिख नहीं सकते, उसको फिजिकली मैं बयान नहीं कर सकता, वो एक तीन चीजें उसको फील करा देती है, उसी की तरह से आप एक फूल की खुशबू देखते हैं, इट इज फ्रेग्रेंस ऑफ दैट। इसीलिए काफी बड़े बड़े एक्टरों ने कहा है, जापानीज एक्टर्स को कहते हैं ही हैज रीच्ड द फ्लावर स्टेज, लॉरेंस ओलिवियर ने कहा टॉक्स आल्सो अबाउट द फ्लावर, फ्लावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट हम तो कभी कभी मैं एक्टरों को कहता हूँ विच फ्लावर डू यू आइडेंटिफाई विद, हर फ्लावर का तो अलग अलग स्मेल है ना, कुछ अलग अलग है ना, सो यू डिफाइन विच एनिमल यू थिंक यू विल लाइक टू रिलेट टू,
एक्टर्स डू दैट, हम एनिमल के साथ और फ्लावर्स के साथ रिलेशनशिप करने की कोशिश करते हैं वॉक में। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूंगा, कभी अगर मौका मिलेगा आपको एक्चुअली वो करना चाहिए, अच्छी अच्छी फिल्में आजकल मिलती हैं, ये सारे बच्चों को दिखानी चाहिए। यहाँ लॉरेंस ऑलिवर एक बहुत बड़ा दुनिया का एक्टर रहा है, उन्होंने एक शेक्सपियर का ओथेलो किया। अब ओथेलो 500 साल से हो रहा है, हर ओथेलो अलग होता हर साल, एक जगह नहीं होता, दुनिया भर में होते 10-25 परफॉर्मेंस होते। ओथेलो का जब भाई साहब को करना तो समझ रहे हैं ऑलिवर इज बीइंग ओथेलो, तो वो स्टूडेंट की तरह पढ़ाई, इतनी बड़ा वर्ल्ड स्टार था थिएटर का, वो गया स्पीच ट्रेनिंग एक्सपर्ट के पास। उसने उसे कहा कि देखो ये जो ओथेलो, ये ब्लैक मूर है, इज अ जनरल, इज अ ब्यूटिफुल ब्लैक जनरल, बैटल फील्ड में गजब का काम वो है ही, उस किताब में है, उसमें प्ले में। आई वॉन्ट टू वॉक लाइक अ ब्लैक पैंथर, एक देखो मेरी आवाज भी ब्लैक पैंथर की जैसी होनी चाहिए। वो फिल्म देख लीजिए, उसने कैसे वो आवाज बनाई और उस आवाज में 3 घंटे वो एक्टिंग करता रहा है। सो यू कैन डू दैट, आई एम टॉकिंग अब एब्स्ट्रैक्शन जो है वो, जैसे कथकली एक कुड़ियाट्टम अपना एक पौराणिक पद्धति है, अपने संस्कृत ड्रामा अभी भी उसमें हो रहा है, वो केरला में है, ये नाट्यशास्त्र के हिसाब से ड्रामा उसमें हो रहा है, वो लकली है अपने यहाँ। उसमें एक सीन है, कुछ नहीं है, रावण यूं बैठा है, यूं देख रहा है बस, 1.5 घंटा देख रहे हैं और आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, यही पोर्शन से एक्ट कर रहा है। अब सीन क्या है, क्यों वो देख रहा है, वो देख रहा है मेरी ये लंका, ही कांट बिलीव, एक बंदर ने खत्म कर दी, इतना महान राजा देखता है, रोता है, गुस्सा आता है, शर्माता है, कि आंख मतलब एवरी आई लिड इज वर्किंग, मैं दैट इज मतलब इंडियन एक्टिंग का वो मतलब परम सत्य है। तो ये वो सात्विक होता है, ये ब्लॉक सीट रही, करेगा क्या आप, क्या कर रहा है आप, ये मसल जरा हिलेंगे, ये हिलेंगे, एक ये यहाँ से फिर उसके यहाँ के ये हिलेगी, इन उनका जो फॉर्म है उसमें। तो ये है एक जर्नी एक डायरेक्टर को। उसके बाद जब वो रिहर्सल्स करता रहा, ही इज टेकिंग नोट्स, पहले पहले रुके रोक के करेगा, ब्लॉक करेगा, ये करेगा, सब टेक्स्ट भी समझ लिया, सब इंटरप्रिटेशन भी समझ ली, सब समझ ली, उसके बाद वो करता है काम रिहर्सल में, व्हेन दे रन थ्रू द थिंग ही डज नॉट डिस्टर्ब एनीबॉडी। उसका एक और सबसे बड़ा काम होता है डायरेक्टर का, कि वो एक्टरों की खोपड़ी में ये डालता है जो वो बिलीव कर, ताकि वो उसके मैप पे चल रहे तो देयर, बट गिविंग देम फ्रीडम टू एक्सप्लोर ऑन दैट लाइन। तो जब वो करते हैं, हम नोट्स लिखते रहते हैं, वी आई वोंट डिस्टर्ब माय एक्टर, क्योंकि वो अपनी प्रोसेस में लगा है, साइंटिस्ट की तरह कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा, आज ठीक कल हो जाएगा, एंड यू कैन सी ही परेशान है, तो वो पता चलना चाहिए आपको कि मेरा एक्टर ये है। अगेन यू टॉक टू हिम, ही कम्स विद प्रॉब्लम्स टू यू, टॉक टू हिम बैक, चलता रहता है, चाय पीते पीते गप्पे मारते हैं, फिर उसको रिलैक्स कराते हैं, ये सब चलता रहता है। टिल यू सी के फाइनल परफॉर्मेंस में, यस नाउ दे हैव रीच्ड, देन यू हैव टू डू एटलीस्ट मेनी रिहर्सल्स कंप्लीट रन थ्रू, जिसमें कॉस्ट्यूम रन थ्रू वो मिलना चाहिए आपको, आपके रेपर्टरी में यू विल सी इट, जब आप करिए एटलीस्ट शुड से 1 वीक ऑफ जस्ट रिहर्सल, फुल रिहर्सल्स लाइक अ शो, एक दो दोस्त आए देख रहे हैं, उनसे भी फीडबैक थोड़ा लिया, और देन यू सी व्हाट इज हैपनिंग, तो तब आपको लगेगा कि मतलब ये एक